आज इस वीडियो में पांच ऐसे ओलंपिक प्लेयर्स की कारों पर बात करेंगे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतकर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पांच पर है बजरंग पुनिया। इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी प्राइस है 40 लाख रुपए। फॉर्च्यूनर इंडिया में सबसे पसंदीदा कारों में से एक है, जिसकी टॉप स्पीड है 176 किलोमीटर पर आवर। नंबर चार पर है नीरज चोपड़ा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जिनकी सबसे महंगी कार है फोर्ड मस्टैंग। इसकी प्राइस है 75 लाख रुपए और ये 270 की स्पीड से भाग सकती है, 0 से 100 किलोमीटर 6 सेकंड में कवर कर सकती है। नंबर तीन पर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, जिनकी सबसे महंगी कार है BMW X5, जिसकी प्राइस है 77 लाख रुपीज, जिसमें 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन है जो 230 की रफ्तार से आसानी से भाग सकती है। नंबर दो पर है मैरी कॉम। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी है, जिनके पास है मर्सिडीज GLS 350D और ये दुनिया की पहली ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिसकी प्राइस है 88 लाख रुपीज। GLS या X5, कौन सी कार तगड़ी लगती है आपको? GLS की टॉप स्पीड है 222 किलोमीटर पर आवर और 0 से 100 किलोमीटर 7.8 सेकंड में कवर कर सकती है। नंबर एक पर कौन हो सकता है जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो वो है साइना नेहवाल। ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, जिनकी सबसे महंगी कार है BMW X6, जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, जो कि एक 4-डोर कूपे SUV है जो दिखने में और भागने में काफ़ी दमदार है, जिसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। और हमने WWE के फेमस रेसलर की कारों पर भी बात की है, वो भी आप ज़रूर देखना।